Welcome for our present discussion. Our subject is entrepreneurship for class 12. Previously, I have discussed the first chapter in 4 episodes. Now we'll start the second chapter. Very interesting topic, very interesting subject this is. Anyone, any person who has the exceptional conceiving the idea, and he has the skillness, he has the creativity skills to give the practical shape of the organization by activation of his idea, whatever he has got from the environment. That subject of us, entrepreneurship. Very rare person thinks like this, this subject. You are one of them. So, second chapter, be careful, listen properly. The environment scanning. Second chapter, environment scanning. For this chapter, this is my first episode. Environment scanning. What is environment scanning? Environment means what? The surroundings. We belong. We move here and there. In which area, whatever the surroundings of us, that is called the environment. And from the environment, so many things we see, we observe. We have to get an idea to build anything, to form the organization or enterprise. So any idea, whatever we take, we adopt, that idea is called the opportunity. But that idea or opportunity to be scanned, उसको scan करना है. Suppose एक patient है, माथा में दर्द कर रहा है, माथा के अंदर में क्या हुआ है नहीं हुआ है डॉक्टर को पता नहीं चलता है. डॉक्टर क्या करते हैं, एक gazing करते हैं. gazing के आधार पर वो डॉक्टर भेजते हैं कहाँ पे, scanning करने के लिए. brain scan होता है. scanning करने के बाद, scanning is called the analysis. स्कैनिंग करके तब पता चलता है. सपोज एक पर्सन जो आइडिया कॉन्सिप्ट किया, उस आइडिया को वो कहां से कॉन्सिप्ट किया, एनवायरमेंट से कॉन्सिप्ट करके वो क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा. किस लिए करेगा, कि स्कैन करके दैट मीन्स उसके अंदर से इंफॉर्मेशन लेना है. वो जो आइडिया कॉन्सिप्ट किया, उस आइडिया के आधार पर जो सामान बनाने जाएगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होगा, उसके वो उसका कितना इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में, नीड कहां तक पूरा करेगा सोसाइटी का, वो आइटम कितना प्रॉफिट अर्न होगा, कि जिस मकसद से वो कर रहे हैं वो मकसद कहां तक हासिल होगा नहीं होगा, मंजिल तक पहुंच सकता है कि नहीं, उसको अभी स्कैन करना पड़ेगा, तब जाके वो स्टार्ट कर सकता है और अल्टीमेटली एक एंटरप्राइज का शेप दे सकता है. वही टॉपिक यहाँ पे आ रहे, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. लुक एट हियर, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज. एक एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है. फर्स्ट, अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना है. अपॉर्चुनिटी इज एवरीवेयर. वी शुड हैव द प्रॉपर आईज, प्रॉपर माइंड टू सी दैट अपॉर्चुनिटी, टू एडॉप्ट दैट अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी मीन्स हियर द आइडिया. तो आइडिया को या अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना, पर्टिकुलर आइडिया को पहचानना, दैट इज कॉल्ड द स्पॉटिंग एंड अपॉर्चुनिटी और स्पॉटिंग एंड आइडिया. फर्स्ट स्टेप, जब कोई आइडिया या अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर लिए, तब उस आइडिया को, आइडिया से क्या क्या मेरिट आ सकता है, क्या क्या डिमेरिट हो सकता है, कितना फाइनेंस लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा उसको, उस आइडिया को सक्सेस लाने के लिए किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, उसमें क्या क्या लगेगा, रॉ मटेरियल्स क्या लगेगा, वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिल सकता है, वर्कर्स एम्प्लॉय सफिशियंट मिलेगा कि नहीं, जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोडक्शन होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस आइडिया के आधार पर, वो प्रोडक्ट या सर्विस सोसाइटी में नीड पूरा करेगा कि नहीं, या क्या क्या असुविधा आ सकता है, डिमेरिट आ सकता है,
ये सब देखने के बाद ये जो कंसीडर करना पड़ता है मेरिट और डिमेरिट को, दैट इज कॉल्ड द इवैल्यूएशन। इसको बोलता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएशन ऑफ आइडिया। इवैल्यूएशन मीन्स व्हाट? इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी या आइडिया जो अडॉप्ट किया गया, स्पॉट किया गया, स्पॉट एक ऑर्नामेंट ऑफ लैंग्वेज है, जस्ट इंग्लिश वर्ड है स्पॉट करना। तो उस स्पॉट करके जो आइडिया आए, चुने हैं आप, उस आइडिया को इवैल्यूएट करना है। अब इवैल्यूएट करने के बाद सपोज आपने देखा कि मेरिटियस मेरिट पोर्शन ज़्यादा है इस आइडिया का, सक्सेस आने का चांसेस ज़्यादा है, तो ठीक है उस आइडिया को एक्सेप्ट किए, रिसीव किए, कॉन्सेप्ट किए। उस आइडिया के साथ अभी नया नया कुछ अगर आइडिया लगाते हैं, नया क्रिएटिविटी स्किल ये सब लगाते हैं, क्रिएटिविटी स्किलनेस ये सब इनपुट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। कुछ और नया चीज, एक आइडिया से दूसरा आइडिया, आइडिया इज द सोर्स ऑफ अनदर आइडिया। एक आइडिया ही एक और आइडिया का सोर्स बनता है। तो नया कोई क्रिएटिविटी और स्किलनेस के माध्यम से, एफिशिएंसी के माध्यम से इनोवेशन, कुछ नया सृजन कुछ करने का, वो करने का के बाद ऑटोमेटिकली एक एंटरप्राइज को सेटअप करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्राइज को सेटिंग किया, सेटिंग अप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। दैट मीन्स फर्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज को कैसे सेटअप किया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या है? पहले तो कोई एक बिल्डिंग बना नहीं दिया जाएगा, पहले कोई एक बिल्डिंग बना दिया, बना रहे बिल्डिंग किस लिए बना रहे? एक हम एक प्रोडक्शन करेगा, किस चीज का करेंगे, कुछ भी पता नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं आया, ये तो कभी संभव नहीं, ये तो एक पागल आदमी करते होंगे। तो सबसे पहले उसका दिमाग में आइडिया आया होगा, आइडिया मतलब अपॉर्चुनिटी, उसको क्या किया, स्पॉट किया, स्पॉट द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद उस स्पॉट द अपॉर्चुनिटी मतलब वो आइडिया या अपॉर्चुनिटी को लेके क्या किया, उसको एनालिसिस किया, मतलब इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएशन करते हुए अब जब प्रोडक्शन करेगा या वो सामान बनाने का आइडिया मिला है उसको, उसके अंदर फिर अपना दिमाग या किसी और से कुछ मिला है सुनने को, या क्रिएटिविटी अपना है, कुछ और आइडिया लगाया, दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। अब वो क्या करेगा, एक बिल्डिंग बनाएगा या फैक्ट्री बनाएगा, एक एंटरप्राइज का प्रैक्टिकल शेप देगा, मतलब सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। सो दिस टॉपिक यू रीड आउट, आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।